फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, और ये कॉल फॉरवर्डिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन करना है, ठीक है। डायल पैड में सबसे ऊपर आपको ये डॉट का ये ऑप्शन है, 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका एक छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये कॉलिंग अकाउंट पे टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है, इसमें आपको ये एडवांस सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इस पेज में कॉल फॉरवर्डिंग पे टैप करना है। अब आपका यहाँ पर ये पेज आता है, इसमें आपका पेज जो है ना रीडिंग सेटिंग होगा इस तरीके से। थोड़ी देर तक यहाँ पर आपको ना कोई भी बटन अभी नहीं दबाना है, आपको 10 से 15 सेकंड वेट करना है जब तक ये रीडिंग सेटिंग होगा, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के सामने जो बटन है, इस बटन को टैप करके ऑन करना है, ऑलवेज फॉरवर्ड के सामने वाला, ठीक है। तो आपका ये बटन टैप करेंगे तो आपका ऑलवेज फॉरवर्ड का छोटा सा पेज आता है। इसमें देखिए नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने फोन में पहले भी कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल किया था, इसलिए नंबर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके फोन में नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ना इस वाली लाइन में एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर कौन सा एंटर करना है, ध्यान रखना इस बात का, आपको ना अपना मोबाइल नंबर छोड़कर, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर छोड़कर किसी दूसरे का मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो ये नंबर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये मोबाइल फोन तो मेरा है लेकिन ये जो नंबर है ये मेरा नहीं है, मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है। अब आप जो भी नंबर एंटर करेंगे ना, उसके बाद आपको ये राइट क्लिक का ऑप्शन है, राइट क्लिक पे टैप करना है। तो आपका ये पेज जो अपडेट होने लग जाएगा, आपको फिर से यहाँ पे 10 से 15 सेकंड आपको वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हमारा पेज जो अपडेट हो चुका है और यहाँ पे सबसे ऊपर ये ऑलवेज फॉरवर्ड के सामने बटन ऑन हो चुका है, और ये ऑलवेज फॉरवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू ये नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल हो जाती है। अब ये इनेबल होने के बाद अब ये काम कैसे करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था ये मेरे फैमिली का मोबाइल नंबर है और ये जो मोबाइल फोन है ये मेरा है, ठीक है। तो अब ये कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल हो चुकी है, अभी कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अब कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा तो वो कॉल मेरे नंबर पर नहीं आएगा, अब वो कॉल जो है इस वाले नंबर पे जाएगा, ठीक है। यानी कि जो कोई भी पर्सन जो है मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा ना, तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक भी कॉल नहीं आएगा, कोई भी कॉल नहीं आएगा, वो सारे के सारे कॉल जो है इस वाले नंबर पे चले जाएंगे। तो ये कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है, ठीक है।